नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि हेयर ट्रांसप्लांट कौन कौन करवा सकता है और ये किस किस में फ़ायदेमंद हो सकता है। सबसे पहले जिस भी व्यक्ति को दोस्तों गंजापन है, वो गंजेपन का ये स्थायी इलाज होता है, तो गंजेपन वाला व्यक्ति, चाहे वो गंजापन मेल्स में हो या फीमेल में, स्त्री या पुरुष में, दोनों ही इसके लिए जा सकते हैं और गंजापन उनका इससे काफ़ी कम या बिल्कुल ठीक हो सकता है। दूसरा, आपके किसी भी कारण से अगर बाल चले गए हैं, जैसे सिकाट्रिशियल एलोपेशिया एक बीमारी होती है जिसके अंदर जो शरीर सर के बाल हैं वो परमानेंट रूप से उनकी जड़ें नष्ट हो जाती हैं, डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, वो भी भिन्न भिन्न बीमारियों की वजह से। बीमारियां जैसे कि लाइकन प्लैनस, अगर स्कैल्प में ये लाइकन प्लैनस होता है तो परमानेंटली बाल जा सकते हैं। उसी टाइप से लुपस एरिथमेटोसस, SLE बोलते हैं इसको, उसकी वजह से भी परमानेंट या स्थायी रूप से ये बाल जा सकते हैं। तीसरा, अगर कोई चोट हमारे सर पे लगी हो उसकी वजह से भी ये परमानेंट हेयर लॉस हो सकता है। इसके अलावा सूडोपिलेट ऑफ ब्रॉक्स होता है जिसमें बाल परमानेंट चले जाते हैं। इसके अलावा कोई फोड़ा या फुंसी होने से भी बाल हमारी स्कैल्प के परमानेंटली जा सकते हैं। इसके अलावा कभी अगर जलने की वजह से, जिसे बर्न एलोपेशिया बोलते हैं या एलोपेशिया ड्यू टू बर्न, ये भी सिकाट्रिशियल एलोपेशिया की ही कैटेगरी में आता है। और कई बार अगर हमारे कोई सर की सर्जरी होती है, जैसे कि ब्रेन की कोई सर्जरी होती है, तो सर का ऊपरी भाग में कट लगता है, वहाँ पे भी बाल जा सकते हैं। एक दो पेशेंट हमारे पास इवन आए हैं जिनका AV मालफॉर्मेशन हुआ था, और जब AV मालफॉर्मेशन को ठीक किया गया तो सर्जिकल स्कार बना स्कैल्प के अंदर, उसमें भी परमानेंटली बाल चले गए। तो ये जो सिकाट्रिशियल एलोपेशिया और मेल पैटर्न एलोपेशिया या फीमेल पैटर्न एलोपेशिया, इन सब में जो हेयर ट्रांसप्लांट है बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। और आप इन हेयर ट्रांसप्लांट से, जो FUE हेयर ट्रांसप्लांट है, इस टेक्निक से आप अपने बाल, जो खोए हुए बाल हैं, उसको पुनः या दोबारा आप पा सकते हैं। इसके अलावा हम ये भी कहना चाहता हूँ कि हेयर ट्रांसप्लांट जो है, अगर कोई भी पर्सन करवा सकता है, चाहे वो डायबिटिक हो या हाइपरटेंसिव हो या फिर किसी अन्य बीमारी जैसे कि एपिलेप्सी से ग्रस्त हो या सिर में उसके दर्द रहता हो या माइग्रेन है, इन सब में भी आप हेयर ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं, बेशर्ते उस बीमारी को आपने कंट्रोल किया हो। अगर जैसे कि अगर हाई ब्लड शुगर आप में है और आपने शुगर को कंट्रोल किया है तो आप हेयर ट्रांसप्लांट के लिए जा सकते हैं। उसी टाइप से आप हाइपरटेंसिव हैं, आपका ब्लड प्रेशर BP हमेशा हाई रहता है, तो BP का दवा लेने के बाद आप हेयर ट्रांसप्लांट के लिए जा सकते हैं। उसी टाइप से अगर एपिलेप्सी की दवा आपको शुरू की हुई है या चल रही है, तब भी आप हेयर ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं। अन्य कोई बीमारी के लिए अगर आपकी दवा चल रही है तो भी हेयर ट्रांसप्लांट हो सकता है। हेयर ट्रांसप्लांट करवाने से पहले हम एक बेसिक टेस्ट करवाते हैं, अगर वो आपके ठीक आते हैं उसके बाद ही आपका डॉक्टर आपको हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी की सलाह देते हैं। नमस्कार।